धनबाद जिले में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। इस वजह से जिले में बनाए गए 80 टीकाकरण केंद्र को बंद करना पड़ा है। स्टॉक में मात्र 150 वैक्सीन होने के कारण आज स्वास्थ्य विभाग ने स्टेशन पर ऑटो चालकों को वैक्सीन दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ऑटो चालकों के द्वारा मांग किया जा रहा था कि बाहर से आए पैसेंजर के साथ उनका संपर्क होता है। उसी मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज 100 ऑटो चालकों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य बनाया है। वह इस दौरान SDM सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में आज ऑटो चालकों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। जो भी वैक्सीनेशन नहीं लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ट्रैफिक जवानों को निर्देश दिया है कि जो भी ऑटो चालक अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे उनकी ऑटो को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। ऑटो चालक संघ के सदस्यों का पहले से एक डिमांड था कि सर हम लोग अपना ऑटो चलाते हैं, पैसेंजर्स हमारे साथ रहते तो हम लोगों को वैक्सीनेशन आदि हो जाता तो बहुत हद तक हम लोग सुरक्षित रहते। तो उसी आलोक में एक डिसीजन लिया गया कि जितने ऑटो चालक हैं उन सबों का वैक्सीनेशन किया जाना है। तो आप जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आज से हम लोगों ने उसका शुरू करवाया है। तो जितने ऑटो चालक हैं वो हमेशा यहीं पे आके अगर जिसके अनुसार हमारा यहाँ पे डोज रहेगा उसके अनुसार हम लोग देंगे। आज हम लोग लगभग 100 लोगों का वैक्सीनेशन करना है। हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है और संघ वालों ने भी इस चीज़ का सहमति दिखाई है कि जो भी ऑटो चालक हैं अगर वो वैक्सीन लगा के नहीं है और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और हमारी ट्रैफिक पुलिस या हम लोग कभी देखते हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो संभवतः हम लोग वैसे ऑटो चालक को रोक देंगे। तो ये एक मास अवेयरनेस भी है आप लोगों के माध्यम से कि जितने ऑटो चालक हैं वो बिना झिझक के आएं और अपना वैक्सीन यहाँ पे लगवाएं। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067520।